मेरा नाम डॉक्टर फराज फरिश्ता है, मैं कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट 10 ईयर्स से मैं ये फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एफएस एंडोक्राइन एंड डायबिटिक सेंटर का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ और मैं कंसल्टेंट जैसे मैक्सक्योर हॉस्पिटल में भी काम कर रहा हूँ। थायराइड ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि गले में होता है। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जिसमें आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण इसमें एक स्वेलिंग आ जाती है। तो थायराइड ग्लैंड जब आयोडीन डेफिशिएंट होता है तो यहाँ पर स्वेलिंग आती है जिसको हम गॉइटर बोलते हैं। 20-30 साल पहले जब आयोडीन की कमी होती थी खाने में, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को गले में सूजन आती थी जिसको गॉइटर कहते थे। लास्ट 30-40 साल पहले जब गवर्नमेंट पॉलिसीज आने से सॉल्ट को आयोडिनाइज कर दिया है, सॉल्ट में आयोडीन को मिलाया गया है और अब लास्ट 10-20 साल से हमें आयोडिनाइज सॉल्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से ये गॉइटर के चांसेस बनना काफी हद तक कम हो चुके हैं। थायराइड मोस्ट कॉमनली लेडीज में कॉमन है। इसमें दो आम है, एक तो हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में अक्सर लेडीज ये चीजें का कंप्लेन करती हैं, जैसे कि बाल ज्यादा चले जाना, मुंह पर स्वेलिंग आना, चलने से दम आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टरबेंस होना, पैरों में सूजन आना, मोशन साफ नहीं आना। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो फीमेल्स में अक्सर देखा जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करता है, जब वेट लॉस की वजह से लोग हमारे पास आते हैं, वो कंप्लेन करते हैं मेरा वेट कम हो रहा है, तो वेट कम होना, दिल की धड़कनें ज़्यादा मार लेना, हैबत होना, चलने पर पसीना आना, और अगर इसे कंट्रोल नहीं करा गया तो हार्ट अटैक के रूप में भी बाहर आ सकता है। थायराइड अगर आप 40 साल 50 साल पहले की बात करें तो जब सिर्फ मोस्टली जेनेटिक होता था, जब अगर आपके फैमिली में किसी को थायराइड है, जैसे कि आपकी मदर हो या सिस्टर हो या आपके ग्रेट ग्रैंड एंसेस्टर्स हो, अगर वो किसी को होता था तो आपको आने के चांसेस ज्यादा होते थे, इसीलिए इंसिडेंस भी कम था। लास्ट एक डिकेड में, यानी कि लास्ट 10 साल में थायराइड के मरीज काफ़ी बढ़ चुके हैं। राइट नाउ इंडिया में अराउंड 50 मिलियन लोग थायराइड डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, जिसका आंकड़ा और आगे जाके काफ़ी कुछ बढ़ सकता है। ये इसलिए हो रहा है, जेनेटिक तो एक कॉज ही है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज जो हो रही है, पोल्यूशन, डाइट और बहुत सारे ऐसे भी कोई चीज़ें हैं जिसका आज तक हमें पता नहीं चला है, बट मोस्ट कॉमनली हाँ, जेनेटिक अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं आने के, और सिडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आपकी वॉकिंग नहीं है, आपके लाइफस्टाइल खराब है, तो भी आपको चांसेस है थायराइड डिसऑर्डर आने के। पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म को हम डायग्नोस करते हैं सिंपल एक TSH टेस्ट के द्वारा। जब हम TSH टेस्ट करते हैं तो TSH लेवल हाई होता है, तो अगर TSH लेवल हाई होता है तो हम उसको हाइपोथायराइड डायग्नोस करते हैं। एक बार थायराइड डायग्नोस होने के बाद हम उनको और एक एंटी TPO एंटीबॉडी, जो कि एक ब्लड टेस्ट है, स्पेसिफिक है थायराइड डिसऑर्डर के लिए, वो करते हैं। वो करने से हमें पता चलता है कि ये ऑटो इम्यून है या नहीं। अगर ये ऑटो इम्यून है और पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो हमें इसको इलाज, एक सिंपल थायराइड की गोली आती है थायरॉक्सिन, जो हम पेशेंट को 25 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं। वो 50 हो सकता है, 75 हो सकता है, 100 हो सकता है, पेशेंट के सिम्टम्स और रिपोर्ट के बेसिस पे हम उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको ऑटोइम्यून पॉजिटिव है तो आपको इसका ट्रीटमेंट जिंदगी भर लेना है। वही अब हम आते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। हाइपरथायराइडिज्म में हम दवाइयाँ देते हैं जो कि थायराइड फंक्शन को कंट्रोल करती है, जैसे कि नियोमर्कोजॉल। वो हम थायराइड पहले कंट्रोल को देते हैं और थायराइड हाई रहने की वजह से जो दिल की धड़कन ज़्यादा रहती है उसे कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स से हम दिल की धड़कन कंट्रोल करते हैं और नियोमर्कोजॉल से हम थायराइड स्टेटस को कंट्रोल करते हैं। 6 से 8 हफ्तों में इसका पहले कंट्रोल करते हैं और हाइपरथायराइड स्टेट के लिए परमानेंट ट्रीटमेंट है। पहले 20-30 साल पहले परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं था, अभी हाइपरथायराइड के लिए परमानेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल है। जो दो ट्रीटमेंट कॉमन है, पहला नॉन इन्वेजिव, मतलब आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, जो कि रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ये एक बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है जिसमें एक रेडियो एक्टिव आयोडीन की दवाई पिलाई जाती है और विद इन 6 वीक्स आपका थायराइड हाइपरथायराइड से यू थायराइड स्टेटस हो जाता है,
जिसके बाद आपको जिंदगी भर थायराइड की दवा लेने की कोई जरूरत नहीं है। और एक ट्रीटमेंट है सर्जरी। अगेन सर्जरी भी हम क्यों वही पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जिनको निगलने में तकलीफ हो रही हो, या जिसका ग्लैंड बढ़ जाता हो, या अगर कोई कॉस्मेटिक रीजन से फीमेल्स हमें कंप्लेन करती हैं, तो ही हम उनको सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। नहीं तो पहले कंट्रोल करते हैं, और रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट से आपको परमानेंट सोल्यूशन थायराइड का है। अगर हाइपोथायराइड पेशेंट्स ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, यंग फीमेल्स का हम एग्जांपल लेते हैं, प्रेगनेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज कोई फीमेल की जब शादी होती है, हर एक का ये सपना होता है कि वो माँ बने, उनके पेरेंट्स का सपना होता है कि वो भी दादा दादा नानी नानी बने। तो अगर आप थायराइड को ट्रीट नहीं करोगे, और अगर अंडरलाइन थायराइड को आप डायग्नोस नहीं करोगे, तो आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत मुश्किल हो सकती है। और अगर आप ट्रीटमेंट चालू करने के बाद प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, तो भी आपको अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप आधा अधूरा ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट, जैसे कि कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से अगर नहीं लेते हैं, तो भी प्रॉब्लम होता है मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। क्योंकि अगर आप सही वक्त में, सही टाइम पे, सही डोज अगर आप थायराइड का मदर को प्रेगनेंसी में अगर नहीं देंगे, तो बेबी को भी मेंटल रिटार्डेशन, क्रिटिन बोलते हैं जिसको, होने के बहुत चांसेस हैं। इसीलिए अगर आप इसका सही ट्रीटमेंट करते हैं एक स्पेशलिस्ट के द्वारा, तो आपको इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। और हाइपरथायराइड में भी अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो पेशेंट को हार्ट रेट बढ़ के सडनली हार्ट अटैक आने का भी चांस है। बहुत बहुत शुक्रिया। It's high.